नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार संजय दत्त, वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट की फिल्म कलंक के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और जानने वाले हैं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर ली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म कलंक जो कि एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, इस फिल्म के लीड में आपको कई सारे स्टार्स दिखने वाले हैं। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक वर्मन ने, जो इससे पहले टू स्टेट जैसी काफ़ी अच्छी फिल्म बना चुके हैं। दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो बता दें दोस्तों कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। वहीं ओवरसीज में इस फिल्म को मिली है लगभग 1100 स्क्रीन्स। इस तरह से ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है लगभग 5100 स्क्रीन्स पर। वहीं बात करें इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज ऑल ओवर वर्ल्ड से मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने काफी पसंद किया है और इस फिल्म के जो मॉर्निंग शो है वो काफी बंपर तरीके से ओपन हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने आज मॉर्निंग शो में काफी बंपर ओपनिंग ली है और 30-35% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। वहीं दोस्तों आफ्टरनून में भी इस फिल्म के जो शो है वो भी काफी हाउसफुल चल रहे हैं और इस फिल्म की आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी रही है 55-60% की। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की इवनिंग ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो इवनिंग में भी इस फिल्म के जो शो है वो हाउसफुल होते जा रहे हैं और दोस्तों आज ये फिल्म काफी बंपर ओपनिंग लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात करें इस फिल्म के पहले दिन की, तो इस फिल्म का आज का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है लगभग 9 करोड़ रुपए और दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 22-23 करोड़ रुपए की कमाई करती नजर आ रही है और इस साल की हाईएस्ट ओपनर फिल्म साबित होने वाली है। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म में वरुण धवन, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर और सभी एक्टर्स के काम की काफ़ी तारीफें हो रही है। वहीं दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर की भी काफ़ी तारीफें हो रही है कि उन्होंने इतने बड़े बजट की फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया है और ऑडियंस के सामने काफ़ी बेहतरीन तरीके से पेश किया है। बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म का जो बजट है वो है लगभग 80 करोड़ रुपये का। वहीं 20 करोड़ इस फिल्म को भी प्रमोशंस में लगे हैं। इस तरह से इस फिल्म का जो बजट है वो हो जाता है टोटल 100 करोड़ रुपये और दोस्तों ये फिल्म अपने 5 ही दिनों में ये बजट रिकवर कर लेगी और इस साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन जाएगी। वहीं बात करें ओवरसीज के बारे में, तो ओवरसीज से भी दोस्तों इस फिल्म को काफ़ी अच्छे स्क्रीन्स मिल चुकी है। इस कारण से ये फिल्म ओवरसीज से भी अपने पहले दिन लगभग 10.5 से 11 करोड़ रुपए की कमाई करती नजर आ रही है और 35 करोड़ की कमाई के साथ ये फिल्म इस साल में बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन चुकी है और कई सारे बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों को इस फिल्म ने छोड़ दिया है पीछे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस फिल्म का लाइफ टाइम क्या हो सकता है, 150 करोड़ या 200 करोड़? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको ये फिल्म कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।